सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रामलल्लू वैश्य द्वारा मध्य प्रदेश में चल रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को घेरते हुए कही गई यह बड़ी बात। विधायक द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ की सरकार बनी है तब से सारे विकास कार्यों में रुकावट आ गई है, जिसकी जानकारी विधायक द्वारा विस्तार से दी गई है। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? शंखानाद जो आंदोलन कार्यक्रम था हमारा लागू, उसके प्रक्षुब्ध में प्रदेश सरकार हर जिले में उन्होंने पत्रकार वार्ता की, जिसमें वो बड़ी सफाई देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव 2018 के बाद जो हमारे लंबित कार्य हैं, जिसमें रिहंड माइक्रो सिंचाई परियोजना, कई सड़कों का निर्माण और आदर्श महाविद्यालय कुशबई में भूमि आवंटित थी, वो आज तक नहीं स्वीकृति हुआ, में निर्माण हुआ। कन्या महाविद्यालय सिंगरौली की जमीन भूमि आवंटित हो गई, रास आवंटित हो गया, टेंडर हो गया, वो काम नहीं चालू हो पाए। साथ ही माइनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट, ये सारे काम तो अभी पेंडिंग है, 9 महीने बीतने जा रहे हैं, एक भी काम की प्रदेश सरकार सिंगरौली विधानसभा में पेंडिंग कार्यों को स्वीकृति दिया हो, इसका जवाब मुझे कांग्रेस दे। आज कार्यकर्ता जो लंबी लंबी बात करते हैं, चुनाव को लेकर मैं बात करना चाहता हूं। नगर निगम के चुनाव नवंबर में होते थे, यह सरकार डरी हुई है कि मेरा एक भी पार्षद नहीं जीतेगा, न महापौर आएगा पूरे प्रदेश में, इसलिए वो कहता है बिना सिंबल का चुनाव हो। इस तरह का ये डरी हुई सरकार है, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि ईवीएम मशीन के द्वारा ही चुनाव हुए, तो अभी जो 2018 में चुनाव हुए ये कहते हैं, तो फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कैसे सरकार कांग्रेस की बनी, ये बता दें। यदि ईवीएम मशीन खराब है तो ये सिर्फ दमाइंगाई के साथ में चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं कि हम लोगों का राज्य बैलेट पेपर में विश्वास करता है। ये सोच लीजिए आप, लोकतंत्र में सही दिशा में सत्यता का काम करना नहीं चाहते, ये सरकार हवा में बात करती है। सिंगरौली का एक भी विकास कार्य का नींव का गिनती करना दे हमें, तो मैं मानूंगा कि हाँ वास्तव में जनहित में कार्य है, चाहे वो विद्यालय हो, प्राइमरी में उद्योग धंधा खोलिए, सारे बच्चे को ट्रांसफर कर दिए, और आज भी एक भी पदस्थापन कैसे बच्चे पढ़ेंगे। आदिवासियों की बात करते हैं कमलनाथ सरकार जी, आदिवासी सिंगरौली का तड़प रहा है, प्रधानमंत्री आवास के लिए 2 लाख रुपए कहाँ पाएंगे, पहले बताए सरकार तो दे आदिवासियों को।